हेलो माय स्पीचुअल सीकर्स, आइए आगे देखते हैं डॉक्टर वीज अपनी बुक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स में क्या कहते हैं। डॉक्टर वीज ने कैथरीन के सम्मोहन प्रक्रिया में उसे बहुत सारे जन्मों की यादें दिलाई। वह बहुत सारी चीज़ें थीं जो उसने याद करी और महसूस करी, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए जो भी डर थे, जो भी दर्द थे, उन्हें बाहर निकालने की, उन्हें समझने की कोशिश करें। इसी बीच एक जन्म के अंत में जब कैथरीन बताती है कि अभी मैं शरीर के ऊपर तैरते हुए प्रकाश की ओर खींच रही हूँ, तो अचानक से उसका सर अपनी ही जगह पर एक से दूसरी तरफ होने लगा, जैसे कि वह कोई दृश्य को जांच रही हो। उसकी आवाज़ भारी और तेज हो गई। उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ बहुत देवता हैं, क्योंकि हम सब में ईश्वर है, हमारे सभी के अंदर ईश्वर है। उसकी आवाज़ के भर्राने और संदेश के आध्यात्मिक स्वर से मैं पहचान गया था कि वह दो जीवन कालों के बीच की स्थिति है। इसके बाद उसने जो कहा वह मुझे लगभग स्तब्ध बना कर गया, जैसे मेरे फेफड़ों से कोई हवा निकल गई हो। आपके पिता यहाँ हैं, आपका बेटा भी है, वह एक छोटा सा बच्चा है। आपके पिता कह रहे हैं कि आप उन्हें जान जाओगे, क्योंकि उनका नाम एवरॉम है और आपकी बेटी का नाम भी उन्हीं के नाम पर है। और हाँ, उनकी मौत हृदय रोग के कारण हुई थी। आपके बेटे का दिल भी महत्व रखता था, क्योंकि वह चूजे की तरह पीछे की ओर था। उसने अपने प्रेम के कारण अपनी बड़ी कुर्बानी दी थी। उसकी आत्मा बहुत उच्च स्तर की है। उसकी मौत ने उसके माता पिता का कर्ज उतार दिया। साथ ही वह आपको यह दिखाना चाहता था कि वे दवाएं कुछ ही दूर साथ दे सकती हैं, उनका प्रयोजन बहुत सीमित होता है। कैथरीन ने बोलना बंद कर दिया और इधर मैं आश्चर्य भरी खामोशी में बैठा था। मेरा सुन्न दिमाग कई अनसुलझे मसलों को सुलझा रहा था। कमरे के अंदर बर्फ से ठंडक लग रही थी। कैथरीन मेरी निजी जिंदगी के बारे में कम जानती थी। मेरी टेबल पर मैंने अपनी बेटी का एक फोटो लगा रखा था, जिसमें वह अपने मुंह से नीचे के दो दांतों के साथ मुस्कुराती नजर आ रही थी। उसके पास ही मेरे बेटे का फोटो था। इन फोटो को देखने के अलावा कैथरीन मेरी निजी जिंदगी के गुजरे कल के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं पारंपरिक साइकोथेरेपेटिक तकनीकों में बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित हूँ। थेरेपिस्ट एक तरह से एक खाली टेबल की तरह होता है। उसके ऊपर मरीज अपनी भावनाओं, विचारों और अपने नज़रियों को पेश करता है। बाद में थेरेपिस्ट का इनका विश्लेषण करता है, जिससे मरीज के दिमाग का फलक खुल जाता है। मैंने कैथरीन से यह थेरेपिटिक दूरी अभी बनाए रखी थी। वह मुझे सिर्फ एक मनोचिकित्सक के रूप में जानती थी, और उसे मेरी गुजरी या निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने अपने ऑफिस में कभी अपने डिप्लोमा या उपाधियों का प्रदर्शन भी नहीं किया था। मेरी ज़िंदगी की सबसे दुखद घटना है मेरे पहले बेटे एडम की अकस्मात मौत। 1971 में जब उसकी मौत हुई, वह सिर्फ 21 दिनों का था। जन्म के 10 दिन बाद हम उसे अस्पताल से घर ले आए थे। बाद में उसे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी और लगातार उल्टियाँ होने लगी। उसके रोग का निदान बहुत ही मुश्किल हो गया था। हमें बताया गया कि उसकी पुल्मोनरी नलिका में एट्रियल सेप्टम नामक की कोई खराबी है। यह लगभग लाखों बच्चों में से किसी एक में होती है। इसमें हृदय तक ऑक्सीजन वाला खून ले जाने वाली पुल्मोनरी शिरा लगभग गलत दिशा में मुड़ी थी, यानी गलत हिस्से से हृदय में प्रवेश की हुई थी। ये ऐसा था कि उसका दिल उल्टी दिशा में पलट गया हो। बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ केस। जटिल ओपन हार्ट सर्जरी भी एडम को बचा नहीं सकी, और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। हम कई महीनों तक सदमे में रहे। हमारी आशाएं और सपने टूट चुके थे। हमारा दूसरा बेटा जॉर्डन इस घटना के 1 साल बाद पैदा हुआ। वह हमारे घावों के लिए एक मरहम की तरह था। एडम की मौत के समय मैं मनोचिकित्सा में अपने करियर के बारे में आगे पीछे हो रहा था, और मुझे इंटरनल मेडिसिन में अपनी इंटर्नशिप में बहुत मज़ा आ रहा था, और मुझे मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने की अच्छी नौकरी घर समेत मिल गई थी। और एडम की मौत के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं मनोचिकित्सा को ही
अपना व्यवसाय बनाऊंगा। मेरे अंदर आधुनिक दवाइयों को लेकर आक्रोश था। तमाम उन्नत चिकित्सा और तकनीकों के बावजूद मेरे बेटे को नहीं बचाया जा सका और एक नन्हा बच्चा मर गया। 61 साल की उम्र में मेरे पिता की सेहत बहुत अच्छी थी, जब तक कि 1979 की शुरुआत में उन्हें एक भारी हृदयाघात नहीं हुआ था। वे प्रारंभिक आघात सह गए थे, लेकिन उनके हृदय की दीवारों को अपूर्णीय क्षति हुई थी और वे 3 दिनों बाद चल बसे। यह वाकया कैथरीन से पहली मुलाकात के करीब 9 महीने पहले का था। मेरे पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे, आध्यात्मिक से ज़्यादा रस्मवादी। उनका हिब्रू नाम एब्राम और इंग्लिश नाम एल्विन की बजाय ज़्यादा अच्छा लगता था। उनकी मौत के 4 महीने बाद हमारी बेटी एमी पैदा हुई और उसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। यहाँ 1982 में मेरे शांत अंधेरे ऑफिस में दबे छुपे रहस्यों का शोर मुझे बहा ले जा रहा था। मैं एक आध्यात्मिक समुद्र में तैर रहा था और मुझे उसका पानी पसंद था। मेरे हाथ हंसग्रीव हो रहे थे, संभवतः कैथरीन भी इस बारे में नहीं जान सकी थी, यहाँ तक कि उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया गया था। मेरे पिता का हिब्रू नाम मेरे नवजात बेटे की दिल में खराबी से मौत, और जो कि लाखों में से एक की होती है, औषधि विज्ञान विषय के प्रति मेरा चिंतन, मेरे पिता की मौत, मेरी बेटी का नामकरण, यह बहुत अधिक था, बहुत ही विशिष्ट था और बहुत सच्चा था। यह निष्कपट प्रयोगशाला तकनीशियन अनुभवातीत ज्ञान की धारा बन गई थी, और यदि वह ये सब सच्चाइयां प्रकट कर सकती थी तो बाकी क्या बचता था। मुझे और जानने की ज़रूरत थी। कौन, मैं बड़बड़ाया, वहाँ कौन है, तुम्हें कौन ये बातें बता रहा है। देवताएं, वह फुसफुसाई, देवताओं ने मुझे बताया है, उन्होंने मुझे बताया है कि मैं 86 बार शरीर अवस्था में जा चुकी हूँ। कैथरीन की सांसें धीमी हो गई और उसके सिर का एक से दूसरी तरफ लुढ़कना बंद हो गया। वह विश्राम कर रही थी। मैं आगे जानना चाहता था, लेकिन उसने जो कहा उसके निहितार्थ मेरा ध्यान भटका रहे थे। क्या सचमुच उसके 86 पूर्व जन्म हो चुके हैं, और देवताओं के बारे में क्या सच है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमारा जीवन उन देवताओं द्वारा निर्देशित होता है जिनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, पर वे महान ज्ञान की धारक होती हैं? क्या ईश्वर को पाने के कदम हैं? क्या ऐसा वास्तव में है? उसने अभी अभी जो भी बताया, मुझे अब तक उस पर यकीन नहीं आ रहा था, फिर भी मैं विश्वास करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं अपने लगातार बदलते प्रोग्राम से उभर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग, मेरा दिल और मेरा अंतर्मन यह जानता था कि वह सही थी, वह सच्चाइयाँ दिखा रही थी। और मेरे पिता व बेटे के बारे में क्या? एक तरह से वे अभी भी जीवित हैं, वास्तव में वे कभी मरे ही नहीं थे। उन्हें दफन किए जाने के वर्षों बाद भी वे मुझसे बात करते हैं और बहुत ही गोपनीय जानकारियाँ देकर अपनी मौजूदगी को सिद्ध भी करते हैं। और जब सब कुछ सही था, क्या कैथरीन के कहे मुताबिक मेरा बेटा एक अति उन्नत आत्मा थी? क्या वह सच में हमारे यहाँ जन्म लेने को राजी था? और बाद में हमारे कार्मिक ऋणों को उतारने में मदद के साथ ही मुझे चिकित्सा और मानवीयता की शिक्षा देकर वह फिर से मनोचिकित्सा की ओर बढ़ाकर मात्र 23 दिन बाद ही मर गया। मुझे इन विचारों से बहुत प्रोत्साहन मिला। इस सिहरन के नीचे मैंने अत्यधिक प्रेम को हिचकोले लेते स्वर्ग व धरती के बीच एकत्व व जुड़ाव की प्रबल भावना का अनुभव किया। मैंने अपने पिता और बेटे को खोया था, फिर उन्हें फिर से सुनना एक सुखद अनुभव था। मेरा जीवन अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। कोई एक हाथ नीचे आया और मेरे बाकी जीवन को पूरी तरह बदल कर चला गया। मेरी सारी पढ़ाई, जो कि बहुत ही सावधानी भरी छानबीन और संदेहवादी तटस्थता से भरी थी, धरी की धरी रह गई। कैथरीन की स्मृतियां और उसके सच्चे संदेश, उसके अनुभवों की शुद्धता को लेकर मेरा अंतर्बोध भी सही था। मेरे पास तथ्य थे, मेरे पास प्रमाण थे। हालांकि उस बहुत तात्कालिक आनंद और समझ में, यहाँ तक कि उस रहस्यमय अनुभव में मेरे दिमाग को पुराने व परिचित के आधार पर संदेह करने वाला हिस्सा सवाल उठा रहा था। हो सकता है ये एक अतीन्द्रिय धारणा या कोई दिमागी क्षमता थी, जिसमें एक क्षमता भी मान ले तो पुनर्जन्म या देवताओं का अस्तित्व सिद्ध नहीं करती। हालांकि इस बार मैं बेहतर जानता था।
यह प्रमाण बहुत शक्तिशाली और अभिभूत कर देने वाला था, सच्चा था। जैसे जैसे हमारे सत्र बढ़ रहे थे, वह ज्यादा से ज्यादा प्रमाण दे रही थी। पहली बार मैं यह समझ नहीं पाया था कि मैं इतना ज़्यादा क्यों बदल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत शांत और धैर्यवान बन गया, और दूसरे मुझसे कह रहे हैं कि मैं कितना शांत दिखता हूँ, मैं कितना जिंदा दिल और खुश दिखता हूँ। मुझे अपने जीवन में ज़्यादा आशा, खुशी, उद्देश्य और संतुष्टि मिलने लगी। मुझे यह स्पष्ट हो गया था कि मैंने मौत का डर खो दिया है। मैं अपनी मौत या अस्तित्वहीन होने को लेकर डरा नहीं था। दूसरों को खोने का मेरा डर भी कम हो गया, हालांकि मैं उन्हें निश्चित रूप से नहीं मिलूंगा। मरने का डर कितना शक्तिशाली होता है। लोग इस डर को दूर करने के लिए बड़ी दूर तक जाते हैं। उम्र की समस्याएं, युवाओं के साथ संबंध, कॉस्मेटिक सर्जरी, व्यायाम की सनक, भौतिक वस्तुओं का संग्रहण, अपना नाम चलाने के लिए पीढ़ियों दर पीढ़ियों पैदा करते जाना और ज़्यादा जवान दिखने का प्रयत्न करना, ऐसा ही बहुत कुछ। हम भयभीत होकर अपनी ही मौत को लेकर चिंतित हैं, और कभी कभी इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अपनी ही जीवन के असली उद्देश्यों को भूल जाते हैं। मेरी सनक भरी उलझन भी थोड़ी कम हो गई। मुझे हर समय नियंत्रित रहने की ज़रूरत भी नहीं रही। हालांकि मैं थोड़ा कम गंभीर बनने की कोशिश कर रहा था, पर यह रूपांतरण मेरे लिए मुश्किल था। मुझे अब भी बहुत कुछ सीखना था। निश्चित रूप से मेरा मन अब संभावनाओं के लिए खुला था। उसके बार बार होने के लिए मैं कैथरीन जो बता रही थी वह वास्तविक था। मेरे पिता और बच्चे के बारे में जो अविश्वसनीय जानकारी पता चली, वह किसी सामान्य तरीके से पाना असंभव था। उसका ज्ञान और क्षमताएं सिद्ध करते थे कि उसमें एक श्रेष्ठतम आत्मिक शक्ति है। इससे उस पर भरोसा करने का मन होता था, लेकिन प्रचलित साहित्य में जो मैंने पढ़ा था उसे लेकर मैं अभी भी अविश्वास और संदेह में था। अतीन्द्रिय घटना, मृत्यु के बाद जीवन और अन्य आश्चर्यजनक असाधारण घटनाओं के बारे में बताने वाले ये लोग कौन हैं? क्या वे अवलोकन या मूल्यांकन की वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षित हैं? कैथरीन के साथ मेरे आश्चर्यजनक और अभिभूत कर देने वाले अनुभव के बावजूद मैं जानता था कि मेरा नैसर्गिक आलोचक दिमाग हर एक तथ्य की बारीकी जाँच कर रहा था। मैंने यह चेक करने के लिए उसकी परख की थी कि हर सत्र के लिए बनाए गए सांचे में वह ठीक बैठती है या नहीं। मैंने उसका हर एक कोण से वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी परीक्षण किया, और तभी मैं नकार नहीं पाया कि वह ढांचा वहां पहले से विद्यमान था। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।